बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उन्नति कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा भूगोल भाग 4। इसमें हम लोग कवर करेंगे जलमंडल, कुछ महत्वपूर्ण गर्त, महासागरीय धाराएं, वायुमंडल, वायुमंडलीय दाब क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, पवन एवं वायु राशि के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये बुक अगर आपके पास में अगर कहीं पे रखी है तो इस बुक को निकाल लीजिए और इस बुक में आप आज हाईलाइट करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके पास बुक नहीं है, पास में कोई अगर मार्केट है जहाँ पे ये आसानी से बुक मिल सकती है तो वहाँ से आप ये बुक को परचेज कर लीजिए। अगर पास में कोई मार्केट नहीं है तो क्या करें, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक दूंगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर तीनों ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन को लेकर के, विकल्प को लेकर के आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि फिलहाल A4 शीट उठाइए, पेन उठाइए और इन सभी फैक्ट को नोट करना स्टार्ट कर दें, राइट। क्योंकि देखो बच्चों, मैं आपसे बस ये कहना चाहूँगा कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, किसी भी स्टेट की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, अगर उसमें GS पूछी जाएगी, अगर उस एग्जाम में GS आएगी तो आपको कंपलसरी है कि इस बुक को अच्छे से रीड करना, इसके हर एक फैक्ट को याद करना। ये क्या करेगी, ये बुक आपका जो बेस है उसको स्ट्रांग करेगी और आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस पैदा करेगी। तो इसलिए मैं फोर्स करता हूँ कि हाईलाइट करो, नोटबुक उठाओ, नोट करो, रिवीजन करो। हर वीडियो में मैं मैक्सिमम आपको यही फोर्स करता हूँ। बाकी आप कितना करते हैं कितना नहीं करते ये तो या तो आप जानते हैं या फिर ऊपर वाला। तो ईमानदारी से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, कोई इतना टफ काम नहीं है, इतना कोई मिसाइल लॉन्च नहीं करनी है आपको, बड़ी आसानी से पढ़ेंगे। तो अच्छे से पढ़िए, फिलहाल पूरा चिंतन रखिए इसके ऊपर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर वो सब आप इस चीज़ के लिए समझदार हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर लगे तो करिएगा शेयर, अगर ना लगे तो कोई बात नहीं, मत करिएगा, लेकिन पढ़िएगा जरूर, ठीक है। बात करते हैं जल मंडल के ऊपर कि संपूर्ण पृथ्वी का कितना परसेंट भाग जल मंडल का इस पर विस्तार है। तो उसमें है 71%। तो आप अपनी बुक पे हाईलाइट करिए 71% मींस मतलब 3/4, मतलब 3/4 भाग पर क्या है जल। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब बाकी की चीज़ें आपको अगर आप चाहें तो रीड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा रीड करके एक एक लाइन को बच्चों की तरह नहीं बताऊंगा कि राइट आपको कंटिन्यू एक एक लाइन पढ़ूंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। और इस बुक को ख़त्म होने में 2-3 महीने नहीं बल्कि 2-3 साल लग सकते हैं। तो इसके लिए ऑडियो फाइल है, ऑडियो फाइल पूरी कंप्लीट हो चुकी है इस बुक की, आप उसको प्ले कर सकते हैं, उसको आप सुन सकते हैं। और हिस्ट्री का पूरा वीडियो भी कंप्लीट हो चुका है तो आप उसको भी देख लीजिएगा। दोनों की प्लेलिस्ट अलग अलग से है, लूसेंट जी के वीडियो प्लेलिस्ट, और वो सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं फिलहाल आगे बढ़ता हूँ कि महासागरीय जल को के गुण कितने होते हैं टोटल। टोटल होते हैं दो महत्वपूर्ण गुण है इसका, एक तो है आपका तापमान और दूसरा क्या है लवणता। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका लवणता। अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे जलमंडल के बारे में कि इसके नीचे का जो फैक्ट दे रखा है इसके बारे में कि जलमंडल हाइड्रोस्फीयर मतलब का वह बड़ा भाग है जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो। महासागर मतलब ओशन कहलाता है। यह सबसे बड़ा जो महासागर है उसका नाम क्या है, एग्जाम में आपसे ये पूछता है सबसे बड़ा महासागर का नाम बताइए, तो आप एग्जाम में कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप याद रखिएगा सबसे बड़ा जो महासागर है उसका नाम क्या है, प्रशांत महासागर। आप इसी तरह से उसको बुक को अपने अंडरलाइन करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि महासागरों की औसत गहराई कितनी है, 3,800 मीटर, तथा स्थल की औसत ऊंचाई कितनी है, यह है 840 मीटर। देखिए अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं किसी स्टेट की, UPSC का आपका एग्ज़ाम है 30 सितंबर को, या फिर आपका MP का है, उत्तराखंड का है, आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे प्रीलिम्स में ये हाइट पूछ लेता है। एक्चुअली हाइट में आपसे पूछेगा औसत ऊंचाई, तो इसलिए ये औसत ऊंचाई इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ता हूँ मैं आगे, समुद्र क्या होता है, खाड़ी क्या होती है, बे क्या होता है, ठीक है। समुद्र क्या होता है, खाड़ी क्या होती है, बे क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। समुद्र के बारे में पढ़ते हैं कि जलमंडल का वह बड़ा भाग जो तीन तरफ से क्या होता है, जल से कवर होता है, घिरा हुआ होता है, और एक तरफ महासागर से मिला होता है, तो क्या कहलाता है वो,
वो कहलाता है समुद्र। अब हम बात करते हैं गर्फ के बारे में, खाड़ी के बारे में। तो समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो बल का क्षेत्र बनता है, ठीक है, जो क्या होता है, जो जल का क्षेत्र बनता है, उसे कहते हैं, सिंपल सी बात है, खाड़ी। इस लाइन को एक बार और थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं फिर। समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है, उसे कहते हैं खाड़ी। फिर बात करते हैं हम लोग बे के बारे में कि इसका दो किनारा स्थल से घिरा होता है। एक तरफ टापुओं का समूह होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, मुहाना समुद्र से मिला होता है। जो उसका मुहाना होता है, मतलब कि जो उसका मुंह होता है, वो क्या होता है, समुद्र से टच होता है। सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान लगभग 5 डिग्री से लेकर के 33 डिग्री के बीच में होता है। तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को हम क्या कहते हैं, ठीक है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को हम कहते हैं समलवण रेखा, मतलब आइसोहेलाइन। तो एग्जाम में आपसे देखिए समलवण रेखा नहीं देगा, खारेपन समान में आपका ये जो कॉमन सा है समलवण रेखा आपको अगर ऑप्शन में देता है तो आप फटाफट इसका आंसर लगा के आ जाएंगे। लेकिन किंतु परंतु अगर आप ग्रेड सी का एग्जाम दे रहे हैं, आप कोई सीजल का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पे आपको ये इतना इजी हिंट नहीं देगा ऑप्शन में, आपको वहां पर देगा क्या देगा, आइसोहेलाइन, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कि तुर्की की वान झील की लवणता सबसे अधिक है। दूसरा स्थान किसका है, मृत सागर का, कितना परसेंट, 238%। आगे हम बात करते हैं गाई ऑट, मतलब सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को क्या कहते हैं, गाई ऑट। और इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं कि प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के समीप स्थित कौन सा है, मरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है। सबसे गहरा गर्त कौन सा है, यह है आपका मरियाना गर्त। और ये कहाँ पर है, यह है आपका प्रशांत महासागर में गुहाम द्वीप पर, ठीक है। ध्यान रखना कौन से द्वीप पर है, ये है आपका गुहाम द्वीप पर। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट, याद रहेगा बच्चों, आई होप याद रहेगा, रिवीजन करेंगे तो ही याद रहेगा, ठीक है। अंडरलाइन कर लो मेरी इस बात को, अगर रिवीजन करते हो, ये नहीं कि बस भगवत गीता की तरह सामने प्रवचन चल रहा है, आपने सुन लिया, उसके बाद में रिवीजन नहीं करा, बुक को दोबारा नहीं उठाया, हाईलाइट दोबारा रिवाइज नहीं मारा उसका, तो फिर मेरी मेहनत सारी पानी में, ठीक है। और आपकी मेहनत भी, आपने भी सीधे कोई टाइम दिया होगा वीडियो वॉच करने के लिए, पेन उठाया होगा, अंडरलाइन करा होगा, बुक में झाके होंगे, आंखों को स्ट्रेस दिया होगा, तो मेहनत किसी की खराब मत करो। आगे बात करते हैं, देखिए इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है, इसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। चैलेंजर गर्त के नाम से कौन से गर्त को जाना जाता है, या फिर चैलेंजर गर्त की संज्ञा किस गर्त को प्राप्त है, तो इस तरह से क्वेश्चन से पूछता है, तो आप याद रखिएगा क्या, यह है आपका मरियाना गर्त। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण गर्त कौन कौन से हैं उसके बारे में, गर्त क्या होते हैं हमने अभी ऊपर पढ़ा था, ठीक है, वो भी स्किप नहीं करना है। आगे हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है आपका मरियाना गर्त, केवल केवल एक ही गर्त आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। और रही बात देखिए स्टेट का, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं स्टेट पीसीएस का, वहाँ पे मेंस में अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक आता है, अगर आपका सब्जेक्ट ये है, तो वहाँ पे आपको ये कुछ स्टैंडर्ड जो गर्त है 4, 5, 6, ये आप याद कर लीजिएगा। और लगे में इसमें कहीं पर हिट करना है इसको, हिट मतलब कि इसको अटैच करना है इसको, तो आप जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए एक गर्त से मेंस एग्जाम में बात नहीं बनती है, आपको 2-3 गर्त अगर आप एग्जाम्पल में लिखते हैं तो मजा आता है उसमें। आगे बात करते हैं, देखिए हम लोग की सोल के बारे में, कि सोल जलमग्न उत्थान का वह भाग है जहाँ जल की गहराई छिछली होती है, सोल कहलाता है ये, ठीक है, यह प्रवाल से बना नहीं होता है। आगे बात करते हैं ग्रेट बेरियर रीफ, यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यह प्रशांत महासागर में है, कहाँ पर है ये, यह है आपका प्रशांत महासागर में। अब थोड़ी सी बात हम करते हैं प्रशांत महासागर की, अगर प्रशांत महासागर अगर है तो फिर थोड़ी सी इसकी बात करना ही बनता है। और मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि अपने साथ एक एटलस हो सके तो ओपन कर लिया करो, एक एटलस मार्केट से परचेज कर लो, क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं एटलस के साथ में,
थोड़ा टाइम लगेगा कि एटलस आप खोल के देखेंगे कहाँ पे आपका प्रशांत महासागर है, कहाँ पे कौन सा कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप है, कहाँ पे एशिया, कहाँ पे यूरोप, कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पे इंडिया। तो ये सब अगर आप देखते हैं तो इस तरह से क्या होगा, टाइम लगेगा, लेकिन वन टाइम में आपकी क्या होगा, स्टडी काफ़ी स्ट्रांग होगी। तो अगर आपने एटलस परचेज नहीं करा है और आप कंपटीशन की तैयारी काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, जीएस वीक है, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तब भी आपकी जीएस वीक ही रहेगी अगर आप साथ साथ में ज्योग्राफी वाले पार्ट में कम से कम अगर मैप खोल के नहीं बैठे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं एक बार पढ़ने की, एक बार पढ़ो, थोड़ा टाइम दे के पढ़ो, पूरा ध्यान से पढ़ो, मैप को खोल के बैठो, बुक को अंडरलाइन करो और मेरी बात को ध्यान से समझो, तो ऑटोमेटिक आपकी ये जितने भी पेजेस हैं इस बुक के अच्छे से कवर हो जाएंगे, ठीक है। और मुझ पर भरोसा रखो, मुझ पर भरोसा रखने से पहले अपने आप पर भरोसा रखो, ठीक है, क्योंकि मन के हारे हार और मन के जीते जीत, मन आपका है, ठीक है, अगर आप हार गए तो समझ लो मैं भी हार गया ऑटोमेटिक। प्रशांत महासागर यह अपने संलग्न समुद्रों के साथ धरातल का एक तिहाई भाग ढकता है और इसका क्षेत्रफल कितना है, इतना वर्ग किलोमीटर है। इसकी आकृति किस प्रकार की है, इसकी आकृति है त्रिभुजाकार की, एवं क्षेत्रफल क्या है, संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से यह अधिक है। इसके शीर्ष पर क्या है मतलब इसके चोटी पर क्या है, यह है आपका जलडम मरुद्य, और आधार पर क्या है, आधार पर है इसका अंटार्कटिका महाद्वीप। बस इतना इतना फैक्ट पढ़ना है इसमें। और बात करते हैं आप लोग हम अटलांटिक महासागर, यह संपूर्ण संसार का छठा भाग है। इसका क्षेत्रफल इतना वर्ग किलोमीटर है जो प्रशांत महासागर के लगभग आधे के बराबर है और संसार के क्षेत्रफल का लगभग 16% है। इसकी आकृति किस प्रकार की होती है, इसकी आकृति है अंग्रेजी के एस आकार से मिलती जुलती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये अंडरलाइन कर रखा है। अगर आप रियल एग्जाम आपने कोई भी दिया होगा बच्चों, कोई सा भी एग्जाम दिया होगा, तो वहां पे ये क्वेश्चंस आपका पक्का टकराया होगा कि एस आकार की आकृति किस महासागर से मिलती जुलती है, या एस आकार की आकृति कौन से महासागर की है। तो आपको चार महासागर के नाम देगा, तो आपको याद रखना है अटलांटिक महासागर, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए इसे क्या कहते हैं, टेलीग्राफिक पठार के नाम से पुकारा जाता है। अब किसे पुकारा जाता है, तो ये तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा, हमको थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए इसके पश्चिम में दोनों अमेरिका तथा पूरब में यूरोप और अफ्रीका, दक्षिण में है अटलांटिक, उत्तर में है ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तर सागर, मगन तट पर स्थित है। इस महासागर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि यह मध्य अटलांटिक कटक है और यह उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोवेट द्वीप तक लगभग 14,000 किलोमीटर लंबा तथा 4,000 मीटर ऊंचा है। यह एक जलमग्न कटक है, तो भी इसकी अनेक चोटियां जल से ऊपर उठकर छोटे छोटे क्या करती है, द्वीपों के रूप धारण कर लेती है। एजोर्स, एजोर्स का पाइको द्वीप तथा केप बर्दे द्वीप इसके प्रमुख एग्जाम्पल है। सबसे तीखी चोटी भूमध्य रेखा के निकट कौन सी है, सेंट पॉल। और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बरबूडा प्रवाल द्वीप एवं एसेंशन ट्रिस्टा दी काना सेंट हेलेना गुहा तथा बोवेट द्वीप ज्वालामुखी द्वीप है। यह महासागर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास अधिक चौड़ा हो जाता है और जहां इसे कहते हैं क्या, टेलीग्राफिक पठार। अब थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग हिंद महासागर के बारे में, इसके उत्तर में क्या है, एशिया। तो हिंद महासागर के उत्तर में क्या पड़ता है, तो आपको याद रखना है एशिया, और दक्षिण में अटलांटिक महाद्वीप, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप। अब अगर आपके पास देखिए मैप नहीं है और मैं आपको बोल रहा हूँ कि पूर्व में ये है, उत्तर में ये पड़ता है, दक्षिण में ये है, यहाँ पर ये है, तो आपको अभी ढंग से शायद इसके बारे में ना पता चल पाए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो इसी बात को बताने के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मार्केट से एटलस परचेस कर लेना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, यह अर्ध महासागर इसका कुल क्षेत्रफल इतना वर्ग किलोमीटर है। तो क्षेत्रफल आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे ये पूछ सकता है कि उत्तर में क्या है, हिंद महासागर के उत्तर में कौन सा महाद्वीप स्थित है। तो आपको चार ऑप्शन देगा वहां पर, एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका, तो देगा हर तरह के वो आपसे। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, जिसका कंसेप्ट क्लियर है तो वो आराम से टिक मार के आएगा और राइट आंसर अपना, राइट जो नंबर होगा वो लेकर जाएगा। यह एक तरफ प्रशांत महासागर और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर से मिला है कर्क रेखा। इस महासागर के
उत्तरी सीमा में है। कर्क रेखा की जो पोजीशन है वो क्या है, वो है उत्तरी सीमा में। इसमें भारत के दक्षिण पश्चिमी तट के समीप लक्षद्वीप तथा मालदीप प्रवाल द्वीपों के उदाहरण हैं। मॉरिशस और रियूनियन द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप है। इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, उसका नाम है मेडागास्कर। बस याद रखिएगा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर। अब हम बात करते हैं महासागरीय जल धाराओं के बारे में। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जल राशि के प्रवाह को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं महासागरीय जल धारा। और ये धारा जो होती है दो प्रकार की होती है, या तो होंगी गर्म या तो होंगी ठंडी। तो महासागरीय जल धारा को कितने भागों में विभाजित करा गया है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है दो धाराएं होती हैं, एक तो होती है गर्म और एक होती है ठंडी। और गर्म जल धाराओं के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, कि निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंधों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली जो जल राशि होती है, धारा होती है, वो होती है हमेशा गर्म जल धारा। अब इसके बाद हम बात करते हैं ठंडी। तो इसमें होता है कि आपका उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जल धारा को क्या बोलते हैं, ठंडी जल धारा। बस इसमें इतना ही पढ़ना है आपको। देखिए प्रशांत महासागर की गर्म जल धाराओं के नाम दिए गए हैं, इसमें कौन कौन सी धाराएं जो है उसमें गर्म है प्रशांत महासागर में, ठीक है। तो एक से लेकर के नौ तक जो है ये सभी जो है प्रशांत महासागर की है गर्म जल धारा। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका अल नीनो। तो एग्जाम में ये पूछता है कि अल नीनो किस प्रकार की जल धारा है, ठंडी गर्म या फिर नॉर्मल मतलब कि मीडियम टाइप की, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शंस कुछ ये देगा, तो आपको याद रखना है अल नीनो जलधारा किस प्रकार की है, प्रशांत महासागर की ये धारा है और ये कैसी है, ये है गर्म। तो उसके बाद हम बात करते हैं ठंडी जलधाराओं के नाम। तो ठंडी में आता है आपका केवल हम्बोल्ट या पेरुवियन। उसके बाद हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर के बारे में, कि अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी धारा है, क्या है, गर्म। तो इसमें है आपका गल्फ स्ट्रीम जलधारा और फ्लोरिडा जलधारा और इरमिंजर की जलधारा। तो ये सभी जो जलधाराएं हैं कैसी हैं, ये हैं आपकी गर्म। और इसमें बात करें अगर हम ठंडी के बारे में, कि जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है आपका लेब्राडोर की जलधारा। तो एग्जाम में आपसे ये पूछता है कि लेब्राडोर की जलधारा कौन से महासागर में पाई जाती है, ठीक है। तो आपको चार महासागर के नाम देगा, तो आपको ये भी याद रखना है कि ये कहाँ पर है, ये है आपका अटलांटिक में, ठीक है। लैब्राडोर कहाँ पर है, अटलांटिक में। तो आप इसको किसी और महासागर के साथ कनेक्ट मत करना, इसलिए आप ये वाली जलधारा जो भी इसमें दी गई है वो सभी आपको अच्छे से याद करनी है, क्योंकि धाराओं से संबंधित ज्योग्राफी का जो ये पार्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हिंद महासागर की गर्म वे स्थायी जलधाराएँ कौन सी होती हैं। तो इसमें गर्म और स्थायी जलधाराओं में जो इम्पोर्टेंट है वो है सेकेंड मोजाम्बिक की जलधारा, राइट। आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा न्यू फाउंड लैंड के समीप ही गल्फ स्ट्रीम एवं लेब्राडोर जलधारा मिलती है। न्यू फाउंड लैंड पर समुद्री मछली पकड़ने का एक प्रसिद्ध स्थान है, उसका नाम है ग्रैंड बैंक। ये कहाँ पर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। यहाँ पे क्या होता है, गल्फ स्ट्रीम एवं लेब्राडोर जलधाराएं मतलब ठंडी और गर्म दोनों जलधाराएं जहाँ पे आपस में टकराती हैं उस स्थान पे क्या होते हैं, मछली का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा मछली वहीं पे पैदा होती है, ठीक है। तो उस एटमॉस्फेयर पे क्या होता है, मछली जब ज़्यादा पैदा होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रैंड बैंक, या इसको हम लोग फिश बैंक भी बोलते हैं उस स्थान को। तो ये कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में। फिर हम बात करते हैं कि गर्म एवं ठंडी जलधारा जहाँ मिलती है उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्लैंक्टन नामक। वहाँ पर कौन सी घास मिलती है, वहाँ पर आपको जगह का नाम पूछेगा, ग्रैंड बैंक कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है। और यहाँ पे किस तरह की जलधाराएं मिलती हैं,
दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन गया, तो आपको याद रखना है गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर, ठीक है। अब उसके पास हम थोड़ा सा पढ़ते हैं आगे कि गर्म एवं ठंडी जलधारा जहाँ पे मिलती है वहाँ पे किस प्रकार की घास होती है, उस घास का नाम क्या होता है। तो उस घास का नाम होता है फ्लैंगटन, जिससे उस स्थान पर क्या होता है मत्स्य उद्योग, मत्स्य मतलब कि मछलियों का उद्योग क्या होता है काफी अधिक विकसित होता है। अब हम बात करते हैं ज्वार भाटा के बारे में, ठीक है। ज्वार भाटा क्या होता है, तो ज्वार भाटा होता है एक्चुअली चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण महासागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को हम क्या कहते हैं ज्वार भाटा। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को हम कहते हैं ज्वार, और जो वो तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे हटने मतलब जब सागर की ओर लौटता है वापस उसको बोलते हैं भाटा। ज्वार का मतलब पानी का हमारी तरफ आना, ठीक है। भाटा का मतलब वापस जाना, रिवर्स में पानी जाना। अगर आप समुद्र के तट पर खड़े हैं तो आपकी तरफ पानी बढ़ रहा है तो क्या आ रहा है ज्वार आ गया, वापस चला गया तो मतलब भाटा आ गया। तो भाटा में रिस्क नहीं है, ज्वार में रिस्क है, ठीक है। देखिए आगे हम पढ़ते हैं, एक होता है उच्च ज्वार, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के एक सीध में होते हैं तथा अतः इस दिन को हम क्या बोलते हैं उच्च ज्वार। और पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट बाद क्या आता है भाटा आता है। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से, दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण, राइट। याद रखिएगा क्या बोला मैंने, मैंने ये बोला कि ज्वार प्रतिदिन कितने बार आते हैं 2 बार, इसको हाईलाइट करो अपनी बुक में। उसके बाद क्या होता है ये जो आता है आपका ज्वार, तो इसमें एक बल लगता है, उस बल को क्या बोलते हैं, ये है आपका अपकेंद्रीय बल। आगे हम बात करते हैं इसमें महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम अगस्त में एवं जो कम होता है, वार्षिक तापक्रम कब होता है फरवरी में, अगस्त में क्या होता है मैक्सिमम, और कम कब होता है फरवरी में। बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, हम कर रहे हैं बात महासागरीय जल की। महासागरीय जल का अधिकतम जो वार्षिक तापक्रम होता है वो कब होता है आपसे एग्जाम में ये पूछता है, कई बार पूछा गया है ग्रेड डी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, एमटीएस के एग्जाम में। तो आप ये याद रखिएगा अगस्त मंथ, अगर आप अगस्त याद कर रहे हैं तो साथ में फरवरी भी याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसा कोई कॉपीराइट तो है नहीं कि एसएससी डिपार्टमेंट बस कर आपसे अगस्त ही पूछेगा, भाई उसका मन कर गया फरवरी पूछने का तो आप चैलेंज करोगे उसको, नहीं ना। तो फिर ठीक है पढ़ो और आगे बढ़ो। बात करते हैं वायुमंडल के बारे में। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को हम क्या कहते हैं वायुमंडल कहते हैं, और वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को हम क्या कहते हैं वायु विज्ञान, उसको हम बोलते हैं एरोलॉजी। वायु का मतलब क्या होता है एयर, तो एरोलॉजी, तो ये बन गया आपका वायु विज्ञान। और निचली परत के अध्ययन को हम कहते हैं ऋतु विज्ञान, तो ये होता है आपका मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, तो आप याद रखिएगा ऋतु विज्ञान को हम बोलते हैं मेट्रियोलॉजी। आयतन के अनुसार वायुमंडल में 30 मील के अंदर विभिन्न गैसों का मिश्रण है, ठीक है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है, यह है नाइट्रोजन, कितने परसेंट 78.07%। और बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितना परसेंट है, यह है 20.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, और आर्गन क्या है 0.93%। अब थोड़ी सी बात हम करते हैं नाइट्रोजन के बारे में, क्या क्या खास बात है कि यह वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। नाइट्रोजन की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि कोई भी वस्तु आसानी से जलती नहीं है, ठीक है। तो उसको बर्न करने के लिए क्या होता है एक टेम्परेचर चाहिए होता है, हैवी टेम्परेचर, उसके बाद में वो वस्तु जलती है। अब जैसे कि प्रकाश पड़ रहा है, सूरज की रोशनी धूप आपके किसी वस्तु पे पड़ रही है, छत पे आपने कोई चीज रखी कपड़े सुखाए, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि धूप पड़ रही है, धूप कपड़ों को सुखा रही है, जला नहीं रही। कपड़े कभी धूप में देखा कि जल गए हों, नहीं ना, केवल सुखाती है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबल जो उसके लिए गैस होती है कि उसको जलने से बचाती है, वो गैस है आपकी नाइट्रोजन। क्लियर हो गया आपको यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन से पेड़ पौधे जो होते हैं अपने प्रोटीन का निर्माण करते हैं, पेड़ पौधों में हेल्प करती है, वस्तुओं को जलाने से बचाती है। और यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर ऊंचाई तक क्या है फैली हुई है।
अगर हम 128 किलोमीटर के बाद जाएंगे तो हमको क्या होगा, हमको नाइट्रोजन गैस की प्राप्ति नहीं होगी। तो आपको ध्यान रखना है जो नाइट्रोजन गैस है कितना परसेंट है हमारे वायुमंडल में, और उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही याद रखिएगा, और ऑक्सीजन तो आपको पता होनी चाहिए वैसे, लेकिन ऑक्सीजन के बारे में मैं यहाँ पे कुछ डिस्कस नहीं करूँगा। गैस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इतनी नहीं है। अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यह क्या है, सबसे भारी गैस है और इस कारण यह सबसे निचली परत में मिलती है, फिर भी इसका विस्तार कितना है, 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। बात करते हैं ओजोन की, यह गैस ऑक्सीजन का एक विशेष रूप है और यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाइयों पर ही अति न्यून काफी कम मात्रा में मिलती है। यह सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी विकिरण के कुछ अंश को अवशोषित कर लेता है। वायुमंडल की संरचना, तो वायुमंडल के निम्न कितनी परतें हैं, ठीक है, वायुमंडल कितने भागों में डिवाइड करा गया है, तो ये है आपके पांच। पहला जो मंडल है, मतलब वायुमंडल, मंडल को हमने पांच भागों में डिवाइड कराया गया है, कौन कौन से, शोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। तो अब हम इस मंडल के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं अगेन आपसे बोल रहा हूँ कि पेन पेपर नहीं उठाया है तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये गलती से बचना है तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, वैसे काफ़ी हद तक वीडियो कम्प्लीट होने वाला है, तो बिगड़ तो चुका है, लेकिन कितना बिगड़ा है तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी आप अपने साथ में सॉरी पेन पेपर लेके बैठिए, ठीक है। बात करते हैं हम लोग श्रोब मंडल की, ट्रोपोस्फेयर की, कि यह वायुमंडल की सबसे निचली वाली परत होती है। सबसे नीचे कौन सी परत होती है वायुमंडल में, उसका नाम बताइए। एग्जाम में ये पूछेगा, आपको चार मंडल के नाम देगा, चार परतों के नाम देगा, तो आपको राइट आंसर याद रखना है शोभ मंडल। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होती है, बादल, आंधी एवं वर्षा कौन से मंडल में होती है, इसी मंडल में होती है, और इसको हम बोलते हैं अधोमंडल। अधोमंडल के नाम से कौन से मंडल को जाना जाता है, वायुमंडल की कौन सी परत को जाना जाता है, तो वह है आपका शोभ मंडल। शोभ का मतलब होता है एक्चुअली परिवर्तन, ठीक है ना। बादल में क्या आता है, परिवर्तन आता है, आंधी कभी आती है कभी नहीं आती, तो ये एक परिवर्तन होता है, ठीक है। वर्षा कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है, तो परिवर्तनशील जो भी घटनाएं होती है वो कहाँ पे होती है, वो होती है आपकी शोभ मंडल में। आगे बात करते हैं समताप मंडल में। समताप मंडल में जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका, इसमें मौसमी घटनाएं जैसे तेज आंधी, बादलों की गरज, जो आवाज वगैरह आती है ना बहुत तेज, वो कहाँ से आती है, वो आती है समताप मंडल से। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक। और इसमें क्या होता है, टेम्परेचर हमेशा समान रहता है। फिर हम बात करते हैं ओजोन मंडल के बारे में। धरातल से 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य ओजोन मंडल है, ठीक है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस का नाम बताइए, तो ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस का नाम क्या है, ये है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आपको पहले से पता होगा, जो किसमें होती है, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। अगर हम रेफ्रिजरेटर का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एसी का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एसी का यूज़ मैक्सिमम लोग अब ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब कूलर से काम बात बनती नहीं है, फैन से बात बनती नहीं है, तो लोग एसी परचेज करते हैं। तो एसी से कौन सी गैस निकलती है जो हमारी ओजोन परत को हानि पहुंचाती है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे ये बन गया आपका एक, तो वो गैस का नाम है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर हम बात करते हैं ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग करा जाता है। कौन सी इकाई का प्रयोग करा जाता है, डॉप्सन इकाई का। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आयर मंडल के बारे में। आयर मंडल के बारे में बस तुमको केवल इतना पढ़ना है कि पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन वे रेडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है, संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। भाई रेडियो क्या है, रेडियो संचार का माध्यम है, ठीक है, कोई कहीं बोल रहा है हम यहाँ पे उसकी न्यूज़ सुन रहे हैं। टेलीविजन है कहीं और, एक्टर कहीं और अपनी एक्टिंग कर रहा है, हम उसको यहाँ पे लाइव देख रहे हैं। टेलीफोन, तो ये सब जो है आपके रेडार वगैरह, संचार उपग्रह कौन से मंडल में अवस्थित होते हैं, उस मंडल का नाम बताइए। क्वेश्चन से आता है तो आप याद रखिएगा आयन मंडल, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, ये 5 नंबर, और ये है आपका लास्ट मंडल यहाँ पे, ठीक है, इसको बोलते हैं वायुमंडल एक्सोस्फेयर। तो इसमें बात करते हैं 640 किलोमीटर के ऊपर के भाग को हम बोलते हैं वायुमंडल, और इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। इस मंडल में क्या होता है, हाइड्रोजन व हीलियम गैस की प्रधानता होती है। तो कौन से मंडल में हीलियम गैस पाई जाती है, तो वो है आपका वायुमंडल। और हीलियम गैस मतलब जो उड़ने में सहायता करती है, जब गुब्बारा होता है गुब्बारे में जो गैस भरी जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हीलियम गैस। उसके बाद हम बात करते हैं सूर्य ताप के।
ठीक है, सूर्य ताप क्या होता है कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले जो सूर्य की विकिरण ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, सूर्य ताप, और किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली सूर्य ताप की मात्रा एवं उसी सतह से परावर्तित की जाने वाली सूर्य ताप की मात्रा के बीच का अनुपात क्या होता है, अल्बिडो कहलाता है। क्या कहलाता है ये, अल्बिडो। फिर हम बात करते हैं संचालन के, कंडक्शन। जब आसमान ताप, जब असमान मतलब अलग अलग टेम्परेचर वाली दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आ जाती हैं, तो अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर क्या होती है, ऊष्मा प्रवाहित हो जाती है। मतलब कि जिसकी मैक्सिमम टेम्परेचर था उसने अपना टेम्परेचर क्या करा, दूसरी वस्तु को शिफ्ट कर दिया, दे दिया। तो ऊष्मा का यह प्रवाह तब तक चलता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान एक जैसा ना हो जाए। वायु ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। याद रखिएगा, वायु क्या होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। अब हम बात करते हैं तापांतर के बारे में। ताप के अंतर को बोलते हैं तापांतर, मतलब कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो रहेगा वो और न्यूनतम टेम्परेचर जो भी होगा डे का वो उन दोनों का आपस में माइनस कर देंगे तो क्या होगा, तापांतर कहलाएगा। एक होता है दैनिक तापांतर, मतलब कि डेली डेली बेस पर, मतलब कि रोजमर्रा जो ताप ताप का अंतर निकाला जाता है तो उसको बोलते हैं दैनिक तापांतर। एक होता है वार्षिक तापांतर, मतलब कि वर्ष के अंतर, जैसे कि आप थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, शायद आप कन्फ्यूज ना हो जाए। वैसे काफी बेसिक चीज था ये। देखिए, दैनिक तापांतर क्या होता है, किसी स्थान पर किसी एक दिन के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को वहां का बोलते हैं दैनिक तापांतर। ताप में आए इस अंतर को बोलते हैं ताप परिसर। क्या बोलते हैं, ताप परिसर। उसके बाद वार्षिक, मतलब सेम जैसे दैनिक था वैसे ही वार्षिक कैलकुलेशन निकाली, आपस में दोनों को माइनस कर दिया, तो आगे आपका क्या आ गया, वार्षिक तापांतर। और विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर कितना होता है, साइबेरिया का है। कितना है ये, 65.5 डिग्री। सॉरी, स्थित जो है बई खोरियांसक नामक स्थान पर है। उसके बाद हम बात करते हैं वायुमंडलीय दाब के बारे में, कि सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर वायु दाब पारे के 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाले दाब होते हैं। वायु दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। वायु दाब किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से। और वायुमंडलीय दाब की इकाई बार है, और एक बार कितना होता है, एक बार इक्वल टू में इतना। प्रीलिम्स के एग्जाम में, स्टेट पीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएससी एग्जाम में अब तक ये क्वेश्चन एक भी बार नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछेगा या नहीं पूछेगा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं वो इसको याद कर लें अभी तुरंत, इसको पेंडर मत करना, इसको डायरेक्ट याद करना, ठीक है। थोड़ा सा हम देखिए, आप देख रहे हैं ग्लोब, उप ध्रुवीय, निम्न ध्रुवीय, ये पूरा जो सर्कल है आप देख रहे होंगे। फिलहाल हम बात करते हैं इसमें जो नोट है। फिलहाल विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे अधिक होता है। पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे अधिक कहाँ पर होता है, कौन सी रेखा पर होता है, तो ये होता है 0 डिग्री, मतलब विषुवतीय रेखा पर। उसके बाद हम बात करते हैं विषुवत रेखा से 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के जो मध्य होता है उसको हम बोलते हैं हॉर्स अक्षांश, ठीक है, मतलब अश्व अक्षांश उसको कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पवन के बारे में, कि पवन क्या होते हैं, पवन देव क्या होते हैं। तो पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है। क्षैतिज रूप से इस गतिशील हवा को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। और ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को वायुधारा मतलब एयर करंट कहते हैं। तो एयर करंट किसे बोलते हैं और पवन किसे बोलते हैं, दोनों में डिफरेंस आप याद रखिएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की पछुआ पवनों का सर्वश्रेष्ठ विकास कहाँ पे होता है, तो ये होता है आपका 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में, ठीक है, 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गर्जता 40, प्रचंड 50 तथा चीता 60। तो याद रखिएगा ये तीनों नाम कौन कौन से, दक्षिण अक्षांश के बीच में क्या इनका गैप है, मतलब 40 से लेकर के 65 डिग्री तक के बीच में, और ये पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर क्या होता है, विकास होता है। फिर हम बात करते हैं व्यापारिक पवनों के बारे में, कि लगभग 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों के क्षेत्रों या उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर दोनों गोलार्धों में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने वाले पवन को बोलते हैं व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ये लाइन आप एक दो बार कम से कम पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। आगे मैं बढ़ता हूँ मौसमी पवन के बारे में।
मौसमी पवनें क्या होती हैं? मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती है उसे हम बोलते हैं मौसमी पवनें, जैसे मानसून पवनें, स्थल समीर या समुद्री समीर। इसमें हम बात करते हैं नार्वेस्टर के बारे में कि नार्वेस्टर क्या होता है। यह न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा होती है। फिर हम बात करते हैं जेट स्ट्रीम के बारे में। यह 6 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो जो जेट स्ट्रीम की जो प्रवाह होने की जो दिशा होती है वो क्या होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। और देख लीजिएगा ऊंचाई क्या होती है, 6 से 12। और इसमें वायु 120 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। तो जेट स्ट्रीम की जो स्पीड होती है क्या होती है, ये होती है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे हम बात करते हैं संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है और ओस पड़ने के लिए उष्मांक का हिमांक 0 डिग्री के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद ये जो मैंने डॉट लगा रखे हैं, पाला, कोहरा, धुंध, बादल, तो ये भी हमको पढ़ना पड़ेगा एक बार। ठीक है, पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब उषांग हिमांक से नीचे होता है तो ओस के स्थान पर पाला पड़ता है। दूसरे शब्दों में जमी हुई ओस को हम क्या बोलते हैं? पाला बोलते हैं। कोहरा क्या होता है? वायुमंडल के निचली परतों में एकत्रित धूल कण, धुएं के रज एवं स्थगनित जल पिंडों को कोहरा कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं धुंध के बारे में। धुंध क्या होता है? हल्का फुला कोहरे को हम कुहासा या धुंध कहते हैं। इसमें क्या होता है, दिखने की जो कमी होती है, मतलब कि डिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, किंतु 2 किलोमीटर से कम होता है इसका। तो इसमें मतलब जो दिखने वाला जो 1 किलोमीटर से अधिक किंतु 2 किलोमीटर से कम होता है, जो विजिबिलिटी होती है वो ये रहती है अगर धुंध होगी तो। बात करते हैं बादल के बारे में। बादल मुख्यतः हवा के रुद्रोष्म प्रक्रिया द्वारा ठंडे होने पर उसके तापमान के उष्मांक से नीचे गिरने से बनते हैं। तो बात करते हैं वर्षा के बारे में कि वर्षा क्या होती है। जब जल वाष्प की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं, ठीक है, तो क्या करती हैं, ये पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसे वर्षा कहते हैं। वायु के ठंडा होने की विधियों के अनुसार वर्षा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सामान्य वर्षा, पर्वतकृत वर्षा और चक्रवाती वर्षा। तो आप ये याद रखिएगा। टॉर्नेडो, टॉर्नेडो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यह भयंकर अल्पकालीन तूफान होता है। टॉर्नेडो क्या होता है? ये होता है अल्पकालीन तूफान, मतलब छोटे से समय के लिए टॉर्नेडो आता है। तो ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाकों में इस तूफान को क्या बोलते हैं? टॉर्नेडो कहते हैं। और यह जल एवं स्थल दोनों में उत्पन्न होता है। तो इसमें स्थलीय हवाओं का वेग कितना होता है? 325 किलोमीटर पर घंटा। याद रखिएगा वेग कितना होता है, 325 किलोमीटर पर घंटा। और सेकंड है आपका हरिकेन। हरिकेन होता है आपका अटलांटिक महासागर में उठने वाली तथा पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान है। इसकी गति कितनी होती है? 121 किलोमीटर पर घंटा। फिर हम बात करते हैं टाइफून की। ठीक है, और ये तीनों ही आपको एक बार ढंग से पढ़ना है, टॉर्नेडो, हरिकेन, टाइफून। अब हम बात करते हैं टाइफून क्या होता है। प्रशांत महासागर में उठने वाली तथा चीन सागर में चलने वाली वक्रगामी कटिबंधीय चक्रवात को हम क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। और इसकी स्पीड कितनी होती है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबका जो वेग है वो आपको याद रखना है। टॉर्नेडो का है 325, हरिकेन का है 121 और टाइफून का है 160। तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, और आपका कोई भी फ्रेंड अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो तो उस तक इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये चैनल एक्चुअली किताबों की दुनिया है कहीं ना कहीं। ठीक है, मतलब कि इस चैनल पे आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, ढेर सारी किताबों की कंप्लीट वीडियो। घटना चक्र की बुक मैक्सिमम कवर हो चुकी है, आप देख लीजिएगा एक बार। प्लेलिस्ट में जाइए, घटना चक्र की, लूसेंट की ऑडियो वीडियो दोनों की दोनों अभी वीडियो चल रही हैं। इसमें ऑडियो कंप्लीट है, आप ऑडियो सुन सकते हैं, वो कंप्लीट है इस बुक का। सार संग्रह रुक्मणी पब्लिकेशन आपको पता ही होगा। और इंग्लिश प्लेंथ की वोकैब, और एनहांस योर वोकैबुलरी जो है वो है आपको वोकैब याद कराने का एक मेथड, निमोनिक मेथड के द्वारा इसमें बताया गया है कि कैसे हम वोकैब को याद कर सकते हैं। तो इन सब की वीडियो आपको मिलेगी, और उसके अलावा भी काफ़ी सारे वीडियो चैनल पर हैं। आप विजिट करिए चैनल पर, प्ले लिस्ट को चेक करिए, उसके बाद में डिसाइड करिए। अगर आपको लगता है कि यूज़फुल है तो सब्सक्राइब करें, अन्यथा ना करें। ठीक है, और देखिए पढ़ाने का तरीका एक्चुअली
ऐसा ही होता है थोड़ा सा कि बातचीत भी चलती रहे बीच में हम लोगों के आपस में, और हम पढ़ते भी रहे, मतलब वन साइड से मैं केवल बोलते रहूँ आप बस केवल सुनते रहें, तो ये प्रवचन टाइप का लगेगा कहीं ना कहीं। तो कोई दिक्कत, मतलब कि फाइनली ये है कि आपको स्टडी करनी है, आप चैनल के माध्यम से कर रहे हैं तो इस चैनल के माध्यम से करिए। सेल्फ स्टडी केवल किताब खोल करके किसी एक रूम में या कहीं लाइब्रेरी में जाकर आप स्टडी करते हैं तो वैसे कर रहे हैं वैसे स्टडी करिए। बस टारगेट ये है कि इस वर्ष 2017 में आपको सिलेक्शन लेना है किसी भी कीमत पर। अपना छोटा सा जो भी गोल है आपका कि आपको ग्रेड डी का एग्जाम क्रैक करना है, रेलवे का एग्जाम क्रैक करना है, ग्रेड सी का एग्जाम क्रैक करना है, ग्रेड बी का एग्जाम क्रैक करना है, जो भी आपका टारगेट है उसके प्रति आप थोड़े से सीरियस रहिए, ठीक है। सीरियस रहेंगे तो तैयारी होगी, पढ़ते समय ध्यान यहाँ वहाँ रहेगा तो तैयारी आपकी बिल्कुल नहीं हो पाएगी। आप पढ़ रहे हैं किताब खुल के, आपको टेंशन है यार कि फेसबुक में क्या पिंग चल रहा है, ठीक है, किसने पिंग तो नहीं करा मुझको, व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर रहे हैं। तो यूथ का एक्चुअली ये सबसे बड़ा लूप पॉइंट जनरेट हो रहा है कि पढ़ते समय उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग पाता, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है ये। तो सोशल नेटवर्किंग साइट जितनी भी होती हैं उससे मैक्सिमम आप डिटैच रहिए, उनसे थोड़ा सा हट के रहिए, तभी आपकी स्टडी हो पाएगी। अगर छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जो पहले के लोग होते थे, पुराने जमाने के जो गांव देहात के जो लोग होते थे, तो वो एक्चुअली क्या करते थे, उनके पास पता ही नहीं, उनके मोबाइल टच मोबाइल होता क्या उनको ये नहीं पता था, ठीक है ना, और अभी भी नहीं पता काफ़ी लोगों को। तो उनका ध्यान केवल जो गिने चुने काम होते हैं उस पर ही रहता है, ना तो उनको दुनिया से बाहर कहीं यहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, ये सेल्फी वो सेल्फी, उन्हें इससे मतलब नहीं है। तो वो अपना एक ही काम रखते हैं, उस पर अपना 100% दे देते हैं, चाहे वो खेती कर रहे हों, चाहे वो बच्चा कुछ भी मतलब करे, मिट्टी में खेल रहा हो, कंचे खेल रहा हो, कुछ भी खेल रहा हो। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ भी देख रहे हैं अपनी स्टडी को, हमें फेसबुक की भी चिंता है, व्हाट्सएप की भी चिंता है, मूवी देखने जाना है संडे को उसकी भी चिंता है, इससे मिलना है, इतनी चिंताओं के साथ में पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। फोकस केवल एक पर रखिए, इसको अचीव कर लीजिए, उसके बाद में जो फालतू टेंशन पालनी है आपको आप पालिए, टेंशन में रहिए, ठीक है। व्हाट्सएप फेसबुक वो सब लाइफ भर चलता रहेगा, होते रहेगा, लेकिन अभी जो मेन टारगेट है वो है आपको अपना फ्यूचर बनाने का, ठीक है। फ्यूचर बनाओ और आगे बढ़ो। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर। और नोट्स नहीं बनाया तो नोट्स बना लो, बुक को मार्केट से परचेज कर लो, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर लो, वहाँ पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।